अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज़ जर्मन A1 फॉर बिगनर्स। लास्ट लेसन में हम लोगों ने सीखा था नंबर्स के बारे में और आज का लेसन है अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 5, लेक्सियोन फुन्फ। लेक्सियोन फुन्फ, 10 अल्फ़ाबेट। वंस अगेन, 10 अल्फ़ाबेट। जर्मन अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है इंग्लिश से, मतलब सेम ही है। लिखने में तो बिल्कुल सेम है और जो है बोलने में, मतलब प्रोनाउंस करने में, उनकी साउंड जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। और इसके अलावा इसमें जो है 4 मोर लेटर्स हैं जो कि इंग्लिश में नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला अल्फ़ाबेट, और इसके साथ साथ जो है वो मैं एक एक वर्ड भी बोलती जाऊंगी ताकि आपको इसकी साउंड का और प्रोनाउंस कैसे किया जाता है उसका अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। तो फर्स्ट वन इज़ आ, अपफिल। आ, अपफिल। बे, बनान। बे, बनान। से, काउच। से, काउच। डे, डॉयचलैंड। डे, डॉयचलैंड। जर्मनी का जो नाम है जर्मन में उसको डॉयचलैंड बोलते हैं। ए, एलिफेंट। ए, एलिफेंट। एफ, फिश। एफ, फिश। यहाँ पे फिश जो है उसको सेम वे जैसे इंग्लिश में आप प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। गे, गिटार है। गे, गिटार है। हा, हाउस। हा, हाउस। ये भी सेम ही है जैसे इंग्लिश में बोला जाता है। ई, ईगल। ई, ईगल। योट, योगोट। योट, योगोट। यहाँ पे जो जे है इसकी साउंड वाई की जैसी आएगी। का, काफे। का, काफे। एल, लीबे। एम, मन। एम, मन। एन, नागिल। एन, नागिल। ओ, ऑरेंज। ओ, ऑरेंज। पे, पिंगुइन। पे, पिंगुइन। कू, क्विज। कू, क्विज। एर, रोट। वंस अगेन, एर, रोट। एस, जोने। एस, जोने। यहाँ पे एस जो है इसकी आवाज़ इंग्लिश का जो जी है उस जैसी आएगी। टे, टे। टे, टे। यहाँ टे जो है ना इसको इंग्लिश के इसको थोड़ा सा सॉफ्टर करके हमने बोलना है। ऊ, उआ। ऊ, उआ। फाओ, फोगेल। फाओ, फोगेल। वी जो है इसकी साउंड एफ जैसी आएगी यहाँ पे। वे, वोल्के। वे, वोल्के। एक्स, सिलोफोन। एक्स, सिलोफोन। इप्सिलोन, यक। इप्सिलोन, यक। सिथ, सेब्रा। सिथ, सेब्रा। यहाँ पे सेथ है इसकी आवाज़ जो है वो टी एस, मतलब टे एस जैसी आएगी जैसे पुट्स, इट्स, वेसिस की जैसी आवाज़ आती है। तो यहाँ पे ना 4 मोर लेटर्स हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो जो है वो इस तरह से हैं। सबसे पहले है ए, ए, बेयर। ए, बेयर।
यहाँ पे जो टू पॉइंट्स टू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं उमलाउट, और जो सिंपल आ होता है उस पर जब ये उमलाउट होता है तो वो ए बन जाता है। तो ये जो है ना सिर्फ थ्री लेटर्स हैं पूरे जिनमें ये टू पॉइंट्स टू डॉट्स होते हैं, बाकी में नहीं होते। नेक्स्ट वन इज इल, 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 इल। नेक्स्ट वन इज यू, फुन्फ, यू, फुन्फ। और जो लास्ट वन है ये है बीटा साइन, एस सेट बोलते हैं इसको, बीटा साइन एस सेट, और इसका है वर्ड फुस, एस सेट फुस। तो ये थे 30 लेटर्स जर्मन में, और 26 जो हैं वो तो इंग्लिश जैसे ही हैं, बाकी जो 4 हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा थे यहाँ पे। तो टोटल 30 लेटर्स हो गए, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी होंगी। उससे पहले हम लोग पूरा रिपीट कर लेते हैं जितना हमने आज इस लेसन में सीखा है। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाओ, वे, इक्स, एप्सिलोन, सेथ, ए, यू, यू, एसेट। तो ये था आज का हमारा लेसन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डैंकेशन, आउफ विदरसेन, ट्यूस।